इतनी कम उम्र में तेज गेंदबाजी, और किसको क्रेडिट देना चाहोगे सबसे पहले? मैं सबसे पहले तो अपने फादर को क्रेडिट देना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने कोचेस वगैरह को जिन्होंने मेरे को हेल्प करा ये सब करने में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा कि तू कर सकती है ये सब चीज़ें, तो तभी मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा। फर्स्टली तो मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ। तब मैं जाती थी पापा के साथ उसको बॉलिंग करवाने के लिए, तो मेरा वहाँ से ही ज़्यादा मोटिव बढ़ा, वहाँ से ही मैंने स्टार्ट करा अपना खेलना, तो पापा को भी लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। बिश्नोई के आप रहने वाले हो, कई बार क्या होता है फार फ्लंग्स एरिया की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पर आज सोच बदली होगी, लेकिन कुछ सालों पहले जब आप छोटे थे तो लोग बोलते होंगे कहाँ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, शादी करके दूसरे घर पे जाना है, कहाँ क्रिकेट में, तो ये चीज़ें भी फेस करने को मिली? नहीं, ये सब चीज़ें मेरे को बोला नहीं गया, बट बाहर तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हों, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी मेरे को ये चीज़ नहीं बोलने सुनने में आई कि उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं। जहाँ पर IPL का सीज़न आज शुरू होने वाला है, और आपको याद होगा हाल ही में वुमेन्स ने भी RCB को वो खुशी दी है, RCB को मंधाना की बात करें, स्मृति मंधाना की, उन्होंने पहली बार RCB की फ्रेंचाइजी में टाइटल जो है उनकी झोली में डाला है। हमारे साथ अनन्या डोगरा हैं, आने वाला भविष्य है, U15 में सिलेक्शन हुई है और बेहतरीन गेंदबाज हैं, तेज़ गेंदबाज हैं, इनसे जानेंगे कि कितनी खुशी है और क्रेडिट किसको देना चाहते हैं। अनन्या, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इतनी कम उम्र में तेज़ गेंदबाजी, और किसको क्रेडिट देना चाहोगे सबसे पहले? मैं सबसे पहले तो अपने फादर को क्रेडिट देना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने कोचेस वगैरह को जिन्होंने मेरे को हेल्प करा ये सब करने में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा कि तू कर सकती है ये सब चीज़ें, तो तभी मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा। फर्स्टली तो मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ। अनन्या, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पापा भी आपके अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, आपके छोटे भाई हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो शुरुआत आपकी कहाँ से, मतलब बचपन से ही आपको शौक आ गया इस चीज़ का? जब मैं छोटी होती थी, जब मेरा भाई भी छोटा होता था, तब मैं जाती थी पापा के साथ उसको बॉलिंग करवाने के लिए, तो मेरा वहाँ से ही ज़्यादा मोटिव बढ़ा, वहाँ से ही मैंने स्टार्ट करा अपना खेलना, तो पापा को भी लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। बिश्नोई के आप रहने वाले हो, कई बार क्या होता है फार फ्लंग्स एरिया की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पर आज सोच बदली होगी, लेकिन कुछ सालों पहले जब आप छोटे थे तो लोग बोलते होंगे कहाँ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, शादी करके दूसरे घर पर जाना है, कहाँ क्रिकेट में, तो ये चीज़ें भी फेस करने को मिली? नहीं, ये सब चीज़ें मेरे को बोला नहीं गया, बट बाहर तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हों, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी मेरे को ये चीज़ नहीं बोलने सुनने में आई कि उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं। फेवरेट खिलाड़ी तो आपके, जाहिर सी बात है, आपके पिता तो रहे होंगे, क्योंकि एक लड़की के लिए पिता से बड़ा रिलेशन कोई नहीं होता, इसके अलावा कौन सा फेवरेट खिलाड़ी आपका? मेरा स्मृति मंधाना, पैरी। स्मृति मंधाना और पैरी, जिन्होंने, पैरी ने तो इस बार गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, और उसके बाद उनको फ्रेम करके स्पेशल कंपनी ने दिया, ये देखिए आपने ये कारनामा कर दिखाया। स्मृति मंधाना में क्या खास है? स्मृति मंधाना विराट कोहली की फ़ैन है, विराट कोहली स्मृति मंधाना के फ़ैन है, और आप दोनों की फ़ैन है या स्मृति मंधाना की? नहीं, मैं दोनों की फ़ैन हूँ। क्या चीज़ एक आपको सपोर्ट करती है विराट कोहली का, अगर एक पॉजिटिव देखना हो, क्या उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनके रनों को लेकर भूख, क्या चीज़? उनका जो ग्राउंड में एटीट्यूड रहता है मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, उनमें मोटिवेशन आती है कि हाँ ये मैं भी कर सकती हूँ। स्मृति मंधाना में भी सेम चीज़, स्मृति मंधाना में भी अग्रेशन है, और स्मृति मंधाना में भी वो चीज़ है कि हाँ भाई जीतना है और अंत तक लड़ना है। फाइनल मैच आपने देखा ये जो हुआ था RCB का, तो क्या लग रहा था कि RCB बड़े क्लोज मैच गया था, एंड तक गया था? मुझे तो ये लगा था कि कोई और जीत जाएगा, लेकिन फिर भी स्मृति मंधाना ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए वहाँ पे, तो और वो वहाँ पे जीत। U15 में आपकी दूसरी लगातार 2 साल में सिलेक्शन हुई है, आपने ये बता दिया कि क्रेडिट किसको देना चाहते हो, कोचिज कौन कौन हैं आपके जिन्होंने थ्रू आउट आपकी लाइफ में जो हेल्प की? मेरे यहाँ पे जब मैं जहाँ पे अकेडमी में करती हूँ प्रैक्टिस, वहाँ पे मेरे कोच विजय सर हैं और नैना कश्यप, विजय डोगरा जी, ओके, वहाँ पे और नैना दी हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करा ये चीज़ें करने में, और मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। बाकी जो उधर मेरे साथ में गए थे टूर्नामेंट में, मैं उनको देना। थोड़ी सी आगे चलते हैं हम, थोड़ी और फ्रेम के क्लोज आ जाएंगे, थोड़ी आगे आ जाइए हमारे साथ। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, JKCA को आप थैंक यू कहोगे क्योंकि उन्होंने ओपन ट्रायल रखे और अपॉर्चुनिटी उन लोगों को भी मिली जो खेलना चाहते हैं, देश को सर्व करना चाहते हैं, और किस तरह से JKCA का शुक्रिया करोगे? मैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ब्रिगेडियर सर को थैंक यू करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मिथुन सर को थैंक यू, ऐसे की बताइए कि सामने वो भी सुन ले। मिथुन सर को थैंक यू करना चाहती हूँ, ब्रिगेडियर सर को थैंक यू करना चाहती हूँ, रूपाली जी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए इतना ज़्यादा मोटिव करा, उन्होंने हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट करा। एज अ मैन और वुमेन में देखा जाए तो दोनों की अच्छे में खासी टक्कर हो रही है क्रिकेट को रिलेटेड लेके, तो यही चीज़ें हैं कि वुमेंस जो हैं वो अच्छे कर रही हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। जैसे हमारा IPL भी स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट भी हो रहा है, और उसके बाद वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, तो यही।
हमने ये देखा, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि अब लड़के लड़की एक समान जो कहावत हुआ करती है ना, हमने देखा पैरी को 90-90 मीटर के बाउंड्री मारते हुए, सिक्स मारते हुए, हमने मंदाना को देखा 94-93 का मतलब हिट करते हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए ग्राउंड छोटी कर दी है, ग्राउंड उतनी ही है। हाँ, ग्राउंड तो उतनी है, बस हल्का सा होता है चेंज वगैरह, बाकी तो इतना ही होता है। अच्छा, फास्ट बॉलर एज ए फास्ट बॉलर क्या डाइट प्लान है आपका, क्या डाइट, उठते कितने बजे हो, खाते क्या हो, वो चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है? हाँ, मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाती हूँ, उसके बाद जिम वगैरह रनिंग वगैरह करके जाती हूँ, तो फिर आके बनाना शेक पीती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा खू के, तो फिर खाना वगैरह खा के। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहे, उम्मीद है कि आने वाले सालों में, कुछ सालों में आप आईपीएल में नजर आएंगी, फिर कहीं भूल तो नहीं जाएंगे कि हाँ हमारी आपकी इंटरेक्शन हुई थी, हम ऑटोग्राफ लेने आए आपको, और आपको कहीं तो देखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको एक ही लेवल पे रखूंगी। स्टडीज़ कहीं ना कहीं करना साथ साथ और ये क्रिकेट का जो अपना डिज़ायर है उसको भी जीना, सपने को जीना मुश्किल होता है? थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे अभी 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन वाला भी आ गया, तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, हौच पौच हो रहा है वहाँ पे। जाते जाते हमारे ऑडियंस को अपना नाम, आप कहाँ की रहने वाली हो, और ख़ास तौर पर बिश्नाह की जितनी भी लड़कियाँ जो खेलना चाहती हैं उनको क्या संदेश रहेगा? यही रहेगा कि जो भी खेलना चाहती है अच्छे से खेलो, ये मत सोचो कि बाहर की दुनिया क्या बोलेगी, ये वो तो वो लोगों की सोच है, वो लोग जैसे मर्जी सोचे, वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना बेस्ट दो वहाँ पे और अपना घर का नाम रोशन करो। बिश्नाह के लोग तो आपका नाम जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में दुनिया नाम जानेगी, लेकिन एक बार दोबारा से बता दो आपका नाम क्या है? अनन्या डोगरा मेरा नाम है, मैं बिश्नाह की रहने वाली हूँ। और ये तेज गेंदबाज है जनाब, और यही स्पोर्ट आपकी चाहिए, बच्चियों को आप पढ़ाते भी हो, तो बच्चियों को आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़ाइए, उनको जो शौक है उन्हें जीने दीजिए। और ये 15 साल की उम्र अंडर 15 में दूसरी बार सिलेक्शन होना, और शुक्रिया था JKCA का कि ओपन ट्रायल करते हैं, उन प्रतिभाशाली खिलाड़ी को भी मौका मिलता है, चाहे वो अपना कहीं पर भी रहते हो, फार फ्लंग एरिया में या फिर शहर में, उनको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और इस इंटरव्यू को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बच्ची का मनोबल जो है और बढ़े, और आने वाले दिनों में IPL में ही नहीं, हिंदुस्तान में जाकर हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करें। देखते हैं चलमन, राहुल खत्री, नमस्कार।